अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस को लेकर। यहाँ पर जितने भी प्राइसेस हम डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी बिल्कुल लेटेस्ट होने वाली है। हमारे पास जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं 15,000 रुपए से स्टार्ट होने वाले ग्राफिक कार्ड है हमारे पास, 2GB DDR5 वाला एंड सो ऑन चलते गए। हमारे पास जो बिल्कुल लेटेस्ट वाले ग्राफिक कार्ड है या फिर इतने ग्राफिक कार्ड जो कि हमारे पास 1,50,000 रुपीस की रेंज के अंदर आ जाते हैं, लेटेस्ट वाले हमने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उनकी प्राइसेस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक तो हर कहीं उसकी अलग अलग प्राइसेस चल रही थी, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था, 5,000-10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था एंड उन सारों को एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट ग्राफिक कार्ड, हम बात करेंगे HD 7850 की। AMD की तरफ से आने वाला ये ग्राफिक कार्ड 2GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR5 का ग्राफिक कार्ड है एंड 256 bits का। यहाँ तक बंदा बात सुने तो बंदे को लगता है कि भजन हमारे पास GTX 750 Ti की बात हो रही है। सेम स्पेक्स है उसके, इसके 128 bit का वो है, यहाँ पे 256 bit है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है बट कहीं कहीं इसके अंदर कुछ ड्रॉपबैक है, इसलिए 15,000 रुपए का है जबकि वो हमारे पास 19,000 रुपए का है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास R9270 है, ये ग्राफिक कार्ड भी हमारे पास 2GB का है एंड इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट हमारे पास 18,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के अंदर अंदर आपको इजीली मिल जाती है। इसी के बाद बात करी जाए हमारे पास RX सीरीज के पहले ग्राफिक कार्ड की, जो कि हमारे पास 564GB का होने वाला है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस हमारे पास ऑलमोस्ट 22,000 से लेकर 25,000 रुपीज चल रही है। 2GB का ग्राफिक कार्ड मैंने इसलिए स्किप कर दिया है RX 560 वाले को क्योंकि वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, वो बिल्कुल बहुत मुश्किलों से मिलता है। अगर मिल भी जाए तो उसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 18 के आसपास होती है बट हम 564GB की बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपको 25,000 रुपए से नीचे मुश्किलों से ही मिलता है बट एवरेज प्राइस उसकी चलती है 25,000 रुपए चल जाती है। उसी के बाद एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसके बारे में मुझसे बहुत मरतबा पूछा गया है, लास्ट आई थिंक 3-4 वीडियो के नीचे कमेंट आते रहते कि विजन R9280X का बता दो कि क्या 2021 में उसको बाइक करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे पहले बात कीजिए उसकी प्राइसिंग की, ऑलमोस्ट 26,000 से लेकर 28,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ या फिर 32,000 रुपीज़ तक जा रही है। एवरेज प्राइस हमारे पास जो मोस्टली शॉप्स के ऊपर है वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ है एंड इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमारे पास हमारा GTX 960 आ जाता है, 4GB ग्राफिक कार्ड जबकि ये हमारे पास 3GB का है। एक तो GB का फर्क आ जाता है, दूसरा मेन ड्रॉपबैक जो यहाँ पे हमारे पास है वो 600W की नीड है। हमारे पास जो R9280X है ये हमारे पास 600W की पावर सप्लाई की नीड है इसकी, यहाँ पे 250W का अपने TDP है एंड आई थिंक भजन इस बजट के अंदर इतनी ज़्यादा वॉट्स कंज्यूम करना एक ग्राफिक कार्ड के लिए, एक तो हीटअप का इशू है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, इसीलिए बेहतर ये कि भजन आप GTX 960 के साथ चले जाओ। 26,000 से 28,000 रुपये के अंदर अंदर मार्केट से वो भी मिल जाएगा एंड आई थिंक NVIDIA इज द बेस्ट ऑप्शन। उसी के बाद यहाँ पर बात कीजिए हमारे पास RX 474GB की, ये ग्राफिक कार्ड आपको इस वक्त मार्केट से एक बेस्ट वैल्यू ऑफर प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमारे पास प्राइस सारों की ऊपर हो चुकी है, तो सारों की ऊपर होने के बाद देख लिया जाए तो ये ग्राफिक कार्ड हमारे पास बेस्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर बनता है, ऑलमोस्ट 32,000 से लेकर 35,000 या फिर 36-27,000 तक चला जाता है, 37,000 तक 27,000 आई थिंक 27,000 को कहते हैं बट जो भी है हमारे पास 32 की रेंज के अंदर अगर आपको मिल जाता है, 32 का मिल जाता है, 33,000 रुपीज़ का मिल जाता है, बेस्ट डील होने वाली है आपके लिए। इसी के बाद बात कर लीजिए हमारे लेजेंडरी ग्राफिक कार्ड की, जो कि हमारा कभी हुआ करता था अब नहीं है आई थिंक क्योंकि वो इस वक्त हमारे पास 45,000 रुपीज़ तक जा चुके हैं, 45-50 की रेंज में मिल रहा है। RX 574GB वाले ग्राफिक कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ये ग्राफिक कार्ड हमारे पास ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़, ज़्यादा ही फ्लो में निकल गया बट एनीवेज 45,000 रुपीज की रेंज के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाता है। सेम इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक और ग्राफिक कार्ड भी आता है, RX 584GB वाला ग्राफिक कार्ड, वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का ऑलमोस्ट मिल जाता है आपको, 50 से 52-53 तक चला जाता है आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ये प्राइस पॉइंट। RX 584GB आपको 50 का मिल जाता है जबकि RX 588GB वाले ग्राफिक कार्ड की बात कर लीजिए जो कि आपको मिलता ही नहीं है बट अगर कहीं मिल भी जाए तो आपको ऑलमोस्ट 70, 75, 80 या फिर 85 ये जो प्राइस रेंज में बताई है इसके अंदर अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। जबकि हमारे पास 570K 8GB वाले वेरियंट की बात करीजिए तो वो आपको मार्केट से 70,000 रुपीज़ का मिल जाता है, ऑलमोस्ट 70 कुछ ऊंची हो जाती है बट फिर भी आप एवरेज प्राइस लेके चल सकते हैं भैया, 70,000 रुपीज़ के एवरेज प्राइस के साथ आपको मिल जाता है। इसी के बाद हमारे पास XT सीरीज के ग्राफिक कार्ड स्टार्ट होते हैं, RX 5500 XT पहला ग्राफिक कार्ड है, इसकी प्राइस आपको ऑलमोस्ट इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1,20,000-1,30,000 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाता है
यूज में अगर आप जाते हैं OLX के ऊपर, हमारे पास जो ऑफलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, फेसबुक वगैरह के ग्रुप में 120K का इजीली देखने को मिल जाता है। मे बी आपको इसे डिस्काउंट भी मिल जाए, बट मिनिमम 120 मिलता है नॉर्मली, एंड मैक्सिमम जाने से तो भेजा 135 तक भी जा सकता है, 140 तक भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, पाकिस्तान है, क्या कर सकते हो। इसी के बाद लास्ट ग्राफिक कार्ड हमारा है RX 5600 XT। ये ग्राफिक कार्ड हमें जो है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट से ऑलमोस्ट 165, 150 या फिर 170, 180 तक भी मिल रहा है। इतनी बड़ी रेंज मैंने बताई है, इसकी रीजन ये कि भैया एक तो इसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग प्री बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सो डिफरेंट हमारे पास जो प्राइस निकल के आई है वो इसी रेंज के अंदर पड़ रही थी कि भैया किसी शॉपकीपर ने बताया कि 155 तक दे रहे हैं, किसी ने ये भी बताया कि भैया वो 70,000 रुपये के अंदर अंदर उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है एंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यही सारे ग्राफिक कार्ड थे आज की वीडियो के लिए। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूं मैं आजकल, पहले नहीं होता था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।